मुख्यमंत्री ने वाहन दुर्घटना पर रोक लगाने जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। राजभवन में ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित, राज्यपाल ने बच्चों के साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी रुचि अनुसार कलात्मक प्रशिक्षण की जरूरत बताई। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस की बैठक, निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की जरूरत पर दिया बल। और जांजगीर चांपा में अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस चला रही जनमित्र अभियान, लोगों को अपराधों से बचने की दी जा रही जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर हाट बाजारों और स्कूल कॉलेजों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की बैठक में कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत वाहन चालकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, इससे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित वाहन चालकों की मांग की पूर्ति भी हो सकेगी। श्री बघेल ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालकों के प्रशिक्षण के बाद ही जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में ओवरलोडिंग रोकने और प्रभावी कदम उठाने पर भी बल दिया। उन्होंने इस संबंध में सभी धर्मकांटाओं यानी वे ब्रिज को आपस में कंप्यूटर के जरिए जोड़ने के निर्देश दिए, इससे परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा सिटी बसों को नगरीय सीमा की परिधि में चलाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परमिट जारी करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने के इच्छुक युवाओं को भी अवसर दिलाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, अपर मुख्य सचिव और परिवहन आयुक्त आरपी मंडल सहित अन्य आलाधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन शिविर बच्चों की सृजनात्मक प्रवृत्ति को एक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अच्छा माध्यम है। इससे उनकी कला तो निखरती ही है, साथ ही व्यक्तित्व का विकास भी होता है। राज्यपाल ने राजभवन में चल रहे 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह में ये बात कही। ये शिविर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अभिभावकों को समय निकालकर अपने बच्चों में छिपी प्रतिभा का पता लगाना चाहिए और उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि भविष्य में राजभवन के आंतरिक कार्यक्रमों के संचालन का काम इन बच्चों के द्वारा कराया जाना चाहिए। शिविर के दौरान बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिविर में विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षक इन विधाओं में रुचि लेने वाले और आगे सीखने के इच्छुक बच्चों को चिन्हांकित करें। इनके लिए भविष्य में साप्ताहिक अवकाश के दिनों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों को मानदेय भी दिया जाए। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि राजभवन में कर्मचारियों के लिए जिम स्थापित किया जाए। इस मौके पर बच्चों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी और नाटक गिरगिट का मंचन भी किया।
राज्यपाल ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वनोपजों का उपयोग इस तरह किया जाए कि वनांचलों में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वनांचल में लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने से माओवाद जैसी समस्या को भी दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध वन उत्पादों और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को वनोपज पर आधारित औषधि बनाने और अन्य उत्पाद बनाने के लिए कंपनियों से टाई अप करने को कहा। साथ ही सहकारी समितियों के द्वारा भी वनोपज प्रसंस्करण यूनिट लगाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां के वनोपजों की देश के अन्य बड़े शहरों में मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने फलदार पौधों और इमारती लकड़ियों के लिए पौधे रोपण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पौधों की कम से कम 3 वर्षों तक सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कल शाम एक ट्वीट संदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा और जनता का कल्याण केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। श्री शाह ने कल ही गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग कार्यक्रमों, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार ये ऐप योगा लोकेटर मानचित्र पर आधारित है। ये योग प्रशिक्षकों को अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। साथ ही नागरिक योग केंद्र और योग प्रशिक्षणों का पता भी लगा सकेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में 3 भाषाओं की नीति का प्रस्ताव दिया है। इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस नीति को आम जनता की राय के लिए रखा गया है। अंतिम निर्णय जनता की राय और राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में अनुपस्थित सूरजपुर के कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में लापरवाही बरते जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल की व्यवस्था सभी जगह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जशपुर कलेक्टर ने जिले में बीते 5 वर्षों में आदिवासी वर्ग के लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों को बेची गई भूमि की जांच करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि जिले में आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री के मामले में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। रायगढ़ के जूट मिल के पास एक दुकान में आग लगने से 1 करोड़ का सामान जलकर नष्ट हो गया। आज तड़के करीब 3 बजे दुकान में अज्ञात कारण से आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंचा। पुलिस ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बेमेतरा के नगर पंचायत देवकर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अब इस घोषणा के बाद स्वच्छता में कोताही की जा रही है, जिसे देखते हुए नगर पंचायत के CMO SR शर्मा ने सफाई समूह के पंजीयन को निरस्त करने की बात कही है। मुंगेली में CV रमन यूनिवर्सिटी से संबद्ध परीक्षाओं में नकल की शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम जांच के लिए गई। जांच की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। साथ ही केंद्राध्यक्ष को नियमों के तहत परीक्षा संचालन की हिदायत दी गई है। रायगढ़ नगर निगम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए गए ऑडिटोरियम में रखरखाव में होने वाले अत्यधिक खर्च को रोकने के लिए उपाय कर रहा है। रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त रमेश जायसवाल ने कहा कि रखरखाव पर होने वाले खर्च को योजनाबद्ध तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। दुर्ग जिले के पुरई में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता के दोनों वर्गों का खिताब छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत लिया है। बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने 6 अंकों से जीत हासिल की। वहीं बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने उत्तर प्रदेश को 15 अंकों से हराकर खिताब पर कब्जा किया। अब कुछ खबरें विस्तार से।
प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में हार को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी विधायक और लोकसभा क्षेत्र प्रभारी मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित आला नेताओं ने बैठक में मौजूद कांग्रेसजनों से चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हार की समीक्षा की है और मतदान केंद्र तक साथियों को रिचार्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में लोकसभा चुनाव की खामियों को दूर कर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। भीतरघात का तो एक लफ्ज भी नहीं आया सामने, और सच्चाई है कि भीतरघात की स्थिति नहीं थी। हम हारे, सबसे पहले हम लोगों ने हार स्वीकार की, अपने अपने व्यक्तिगत कमियों को हम लोगों ने स्वीकार के कांग्रेस से क्षमा मांगी कि गलती हमारी है। पहले मैं अगर अपने क्षेत्र में आगे नहीं रख पाया तो पहले मेरी कमी है, फिर किसी दूसरे की कमी है। जिम्मेदारियों को हम लोगों ने लिया है। साथ में ये भी महसूस हुआ कि जिस उत्साह से और जिस कर्मठता से हमने शायद विधानसभा का चुनाव लड़ा, शायद उसमें कोई कमी अगर आई हो तो उसको हमको रिचार्ज संगठन को करना है, मतदान केंद्र तक के संगठन को रिचार्ज करना है, वहाँ के साथियों को उनके भागीदारी और अधिकार को सुनिश्चित करके उनको सामने लाना है, और आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में हमको विजयश्री हासिल करना है। उन्होंने कहा कि बैठक में व्यक्तिगत खामियों को प्रभारियों ने स्वीकार किया है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस जनमित्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है ताकि वे सतर्क रहें और अपराधों से बचे रहें। जांजगीर की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि पुलिस लोगों के बीच बैठकर उनसे चर्चा करती है और अच्छा संपर्क स्थापित करती है ताकि पुलिस को गांव से सूचनाएं मिले और अपराध रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग अलग थानों की टीम गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा लोगों को एटीएम फ्रॉड, ऑनलाइन या दूसरी तरह की ठगी से बचने की जानकारी देने के साथ ही यातायात के नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। पुलिस के विभिन्न जो यूनिट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, उनके स्टाफ जा जाकर अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग गांव में बैठक कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और विभिन्न जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, खासतौर पर जैसे कि चिटफंड की समस्या है या जो आजकल आईटी एक्ट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, लोग एटीएम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ आजकल जो इतना यातायात व्यवस्था बढ़ी है, नए नए हाईवेज बने हैं, तो हाईवे पे रहने वाले जो गांव हैं उनके लोगों को भी ये सीख देना आवश्यक है कि उनको किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी है और कैसे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर हम बेहतर काबू पा सकें। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता के बीच जाएं, उनसे जुड़ें और उनकी जो समस्याएं हैं उन पर एक रूबरू चर्चा की जाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोगों से मिलकर पुलिस के द्वारा चिटफंड कंपनी से बचने और फर्जी कंपनी में रुपये निवेश नहीं करने संबंधी जागरूकता लाई जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।